Guys, good afternoon. Welcome back to another day and another vlog. This is Debraj and you're watching DPX. आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज मैं ब्लॉग बनाता हूँ बाइक्स रिलेटेड. चलो बाइक लाइफस्टाइल यही सारी चीज़ें चलती रहती है. तो गाइस आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आप लोगों को पता होगा जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो या फिर जो लोग अभी फॉलो कर रहे हो आप लोगों को पता होगा कि मेरे अरे यार गाइस आई वॉज हैविंग दिस इज़ अ मीटियोर. आपको पता ही है दिस इज मेरा जो बाइक है मीटियोर. इसके जब मैंने मीटियोर दिया था एक्चुअली उसके बाद मैंने हैंडल बार चेंज किया था थंडरबर्ड पे. मैंने उसको कम से कम 8-9 साल चलाया. 8 क्या बोल रहा हूँ यार मैं पागल हो चुका हूँ यार एक्साइटमेंट में. 8-9 महीने चलाया और उसके बाद मैंने फिर से इसको 3 दिन पहले थर्ड सर्विसिंग मैंने चेंज किया था. ओके गाइस मैं अभी पूरा डिफरेंसेस समझ पा रहा हूँ. जब मैं पहली बार जब मैं राइड कर रहा था फिर मैंने थंडरबर्ड में किया फिर मैं इसमें किया हूँ. ओके मैं इस ब्लॉग में वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मुझे फील हुआ है और आप लोगों को बोलने में थोड़ी सी इजी होगी या फिर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा. गाइस सबसे पहले जब मैं लिया था मीटियोर तो जब मैं इसको चला रहा था देन आई वॉज हैविंग द हैंड पेन. ओके मेरा पोस्चर बैक पोस्चर पीठ पे थोड़ा सा पेन होता था बिकॉज वेन आई डू कपल ऑफ लॉन्ग राइड 2-3 महीने जब लॉन्ग राइड किए थे 700-800 किलोमीटर के तो उस टाइम. फिर मैंने उसको थंडरबर्ड में चलाया थंडरबर्ड का हैंडल बार चेंज किया थंडरबर्ड क्योंकि मैं बहुत दिनों से चला रहा हूँ. फिर मैंने उसको उस बेसिस से मैंने चेंज किया और ट्रस्ट बोलो तो झूठ नहीं बोलूँगा थंडरबर्ड का हैंडल बार इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैंडल बार. मैंने उसको यूज़ किया बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से बहुत ही अच्छे से. हाथ में कभी दर्द नहीं हुआ बैक का पोस्चर कभी कुछ भी इशू नहीं था. अब पैर थोड़ा सा सामने की तरफ ले था. इट वॉज अमेजिंग यार सामने की तरफ थोड़ी सी फ्रंट थी. इट वॉज रियली गुड. तो मैंने इस बार डिसाइड किया बिकॉज अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अभी मेरा फुल फ्लेज में जॉब है तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है. तो अब मैं क्योंकि लॉकडाउन भी अभी बंद हो चुका है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू 700-800. मैं नहीं कर सकता हूँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. आई कैन डू हार्डली 100-200 किलोमीटर इन ए डे और 2 दिन में कहीं पर जाके मैं आ सकता हूँ. तो इसीलिए मैंने नॉर्मल हैंडल बार कर दिया जो कि जस्टिफिकेबल था. मुझे लगता है कि फालतू में क्यों मैं उसको रखूँगा. तो गाइज अभी मैं इसको 3-4 दिन से चला रहा हूँ. मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ गाइस ये वाला जो मेटियर का ओरिजिनल हैंडल बार मुझे फील हुआ है इसका जो पिकअप है पिकअप इज़ ऑलवेज गुड इन दिस. इसका पिकअप बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. ये जो मैं छोटे छोटे अभी रोड में जा रहा हूँ यहाँ फिर मुझे जो टर्निंग ले ली है बम्पर के ऊपर से या फिर ये सामने जो गड्ढा है मुझे ऐसे जो थोड़ा सा कट लेना है ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है ये वाला हैंडल बार में जो आपके थंडरबर्ड के हैंडल बार में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा. यही एक मेजर डिफरेंस आपको होगी. और एक जो डिफरेंस है सपोज मैं इस तरह पे हूँ इस तरह से मैं रोड में जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा हल्का सा ओवरटेक लेके मुझे इसको मतलब पिकअप लेके ओवरटेक करनी है. जैसे मैं अभी गया पिकअप लिया मैं आगे निकल गया ठीक है. सो ये सारी चीज़ें आपको ये वाली हैंडल बार में करने में थोड़ा सा ईजी मिलेगा ईजी होगा. ये फ्लैट है स्ट्रेट है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है छोटा है जो कि आपको थंडरबर्ड के हैंडल बार में नहीं मिलेगा. सो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं. तो यही 2 इम्पॉर्टेंट मेजर चेंजेस है जो कि मुझे फील हुआ है. लेकिन हाँ एक चीज़ है बट इफ़ आई राइड मेरा हाथ में डेफिनेटली पेन होगा इसमें तो मुझे सोच समझ के राइड करनी पड़ेगी और आई नीड टू बी वेरी केयरफुल. मुझे राइड करनी पड़ेगी बिकॉज मेरा भी तो अभी एज हो रहा है. हाँ अभी तो मैं तो और बच्चा नहीं हूँ तो एज हो रहा है तो मेरे में बॉडी में इधर उधर में पेन होती रहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. तो ये सारी चीज़ें तो इसके अलावा बाकी सब सही है तो इसलिए मैं बैक कर दिया मैं इसको. तो इसको मेंटेन करना है और यहाँ पे इतना ज़ोर से और आज शिवरात्रि है महाशिवरात्रि. तो एवरीबॉडी एंजॉय करो. ओके 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 अच्छा फिर यहाँ खाना खाओ. मेरे घर पे आज पूड़ी बना हुआ है तो पूड़ी आज हम लोग खाएंगे. तो यही बात है. और अभी मैं लीना को ड्रॉप करके आया तो यही सारी चीज़ें थी तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं. और एक चीज़ मेरा जो दूसरा चैनल है जो मैंने लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले जहाँ पे मैं सिर्फ ट्रैवल और फूड ब्लॉग देता हूँ इस चैनल पे अब से कुछ भी नहीं आता है ट्रैवल रिलेटेड और फूड रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे. तो देखो
ट्रैवल और फूड रिलेटेड कुछ भी नहीं आपको मिलेंगे, तो इसीलिए ओके। तो प्लीज़ मुझे, आपको यदि ट्रैवल और फूड रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे को फॉलो कर देना, मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो यही बात है।